नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 के बारे में। वर्ष 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। शनि की 7:30 प्रारंभ हो जाएगी। गुरु पूरे वर्ष में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा, अन्य ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा। ऐसे में ये ग्रह आपके कौन कौन से क्षेत्रों पर क्या प्रभाव देने का काम करेंगे, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में बारीकी से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। अन्य वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपके सभी क्षेत्र स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में बारीकी से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं 2025 जनवरी महीने की कुंडली है। 1 जनवरी 2025 में ग्रहों की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। गुरु आपके धन भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे और ये गोचर करेंगे 14 मई 2025 तक। 14 मई 2025 को गुरु आपके तीसरे भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे। वही देखा जाए तो गुरु जो है पूरे वर्ष भर में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मई को तो आ जाएंगे तीसरे भाव में, उसके बाद जो है 18 अक्टूबर को ये आ जाएंगे आपके कर्क राशि में और दिसंबर के महीने में 5 दिसंबर को पुनः जो है ये आ जाएंगे मिथुन राशि में। बीच में ये वक्री हो जाएंगे, इस कारण से जो है कर्क राशि में जाकर के पुनः फिर ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो मतलब 3 बार जो है राशि परिवर्तन गुरु का होने वाला है। वैसे गुरु एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं लेकिन 2025 में बहुत विशेष होने वाला है। मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल जो आपके चौथे भाव में नीच राशि में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, ये गोचर करेंगे 21 जनवरी 2025 तक। 21 जनवरी को मंगल तीसरे भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में। यहां पर जो है मंगल का गोचर 3 अप्रैल तक रहने वाला है, उसके बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे। केतु जो कि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु और राहु दोनों ही ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई 2025 को। अब केतु जो है 18 मई को आपके पंचम भाव में सिंह राशि में आ जाएंगे। राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं इसलिए ये उल्टा चलते हैं। तो केतु जो है ये पंचम भाव में आ जाएंगे और राहु जो है ये आपके एकादश भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में और यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बुध जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं जनवरी के महीने में, सूर्य ये आपके जो है भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और लगभग 14-15 जनवरी को ये मकर राशि में आ जाएंगे मकर संक्रांति के दिन। शनिदेव जो सबसे बड़ा बदलाव मार्च के महीने में होगा, 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में 12वें भाव में आ जाएंगे। अब यहां पर शनि आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे, क्योंकि जैसे ही शनि मीन राशि में आएंगे वैसे आपकी शनि की 7:30 प्रारंभ हो जाएगी। जब भी राशि से शनि 12वें भाव में गोचर करते हैं या फिर राशि में ही गोचर करते हैं या फिर राशि के आगे वाले भाव में गोचर करते हैं तो शनि की 7:30 कहलाती है। अब 2.5 वर्ष शनि जो है जब 12वें भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और 2.5 वर्ष हो जाएगा मार्च 2025 में। जैसे ही 2.5 वर्ष होगा तो ये आ जाएंगे मीन राशि में। अब 2.5 वर्ष मीन राशि में रहेंगे तो आगे वाली राशि मेष राशि, 1 नंबर की जो राशि, आपकी राशि पर 2.5 वर्ष प्रभाव बना करके चलेंगे। उसके बाद जैसे ये 2.5 वर्ष होंगे शनि के, आपकी राशि में आ जाएंगे 2027 में जून के महीने में, तो शनि की 7:30 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा और
2027 में जैसे आपकी राशि में आएंगे और 2.5 वर्ष यहां पर रहेंगे, उसके बाद जो है ये आ जाएंगे धन भाव में, मतलब आपके आगे वाली राशि में रहेंगे तो भी जो है पीछे वाली राशि पर शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा। और 2.5-2.5 वर्ष जो है तीनों भाव में गोचर करने पर 7.5 वर्ष होता है और इसी को शनि की 7.5 साथी कहते हैं। अब ये 7.5 साथी आपकी कैसी रहने वाली है इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राहु जो आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं 18 मई को ये आ जाएंगे आपके कुंभ राशि में लाभ भाव में, तो ये ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। और ये 4 ही ग्रह हैं जो कि बड़े ग्रह माने जाते हैं, लंबे समय के बाद इनका राशि परिवर्तन होता है और यही ग्रह हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने का काम करते हैं। अन्य जो ग्रह हैं बुध सूर्य शुक्र, ये जो ग्रह हैं ये ग्रह बहुत कम प्रभाव डालते हैं और ये महीने 15 दिन के लिए या 1.5 महीने के लिए ही प्रभाव डालते हैं। तो हमको बड़े ग्रहों के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए क्योंकि हमारा पूरा वर्ष जो है ये बड़े ग्रहों पर ही आधारित है। ये ग्रह यदि अच्छे हैं तो वर्ष बहुत अच्छा बीतेगा। जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है वो गुरु माना जाता है, क्योंकि गुरु ग्रह मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होता है। गुरु धन का मालिक है, विवाह का मालिक है, संतान का मालिक है, शिक्षा का मालिक है, ज्ञान का मालिक है। और गुरु यदि खराब हो तो समझ जाइए कि पूरा वर्ष अच्छा नहीं बीतता है। तो गुरु की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसी प्रकार शनि की भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, राहु की और केतु की भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मंगल के बारे में, क्योंकि राशि के स्वामी की स्थिति यदि खराब है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न होगी और उससे हमारे सभी कार्य जो है वो गड़बड़ा जाएंगे। तो राशि के जो स्वामी है मंगल, मंगल की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें जनवरी 2025 में, तो ये 4थे भाव में गोचर करेंगे नीच राशि में। और जब भी मंगल नीच राशि में गोचर करते हैं कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न करने का काम करते हैं। मंगल 21 जनवरी 2025 तक ये नीच राशि में ही गोचर करेंगे, मतलब 21 दिनों तक। अब 21 दिनों तक आपको स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, सर्दी जुखाम कफ वाली प्रॉब्लम हो सकती है, फीवर आ सकती है, हार्ड मेहनत यदि आप करते हैं तो कमजोरी आ सकती है, जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन आप ले सकते हैं, या फिर ईगो बढ़ सकता है, अहंकार बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं खान पान में कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है आपको। इसलिए 1 जनवरी से 21 जनवरी तक विशेष रूप से आपको सावधानी रखना है, और ये सावधानी रखना है अपने स्वास्थ्य पर, कॉन्फिडेंस आपका लो हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। 21 तारीख के बाद यही मंगल है 3 नंबर की राशि मिथुन राशि में 3रे भाव में आ जाएंगे। अब यहां पर मंगल कारक माने जाते हैं, मतलब यहां पर सुख देने का काम करते हैं, यहां पर अच्छा फील करते हैं मंगल। लग्नेश मंगल, साथ ही साथ अष्टमेश भी है मंगल, और 3रे भाव में गोचर करेंगे 21 जनवरी 2025 से लेकर के 3 अप्रैल 2025 तक। अब यहां पर मंगल बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। 21 जनवरी के बाद आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, यदि कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो रिकवरी भी आ सकती है क्योंकि ये अष्टम भाव के भी मालिक है। छोटी मोटी जो परेशानियां चल रही थी, ब्याजियां चल रही थी, रुकावटें आ रही थी, या फिर जो है स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो समझ जाइए कि ये स्थितियों में सुधार आएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, काम करने में मन लगेगा, भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है, कैरियर आपका मजबूत रहेगा। क्योंकि जब 3रे भाव में गोचर करेंगे तो यहां से भाग्य भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, और आपके कैरियर के भाव में भी इनकी अष्टम दृष्टि रहेगी तो कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कैरियर के लिए समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, और यहां पर मंगल बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो ये समझ जाइए कि 21 जनवरी के बाद का जो समय है वो आपके लिए बेहतरीन समय है और मंगल आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें देवगुरु बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति का जो बदलाव होगा वो मई के महीने में होगा, 14 मई को। लेकिन 14 मई तक धन भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत ही शानदार, और शुरुआत से ही जो है बृहस्पति धन देने का काम करेंगे, क्योंकि धन के ये कारक हैं और धन भाव में विराजमान है। स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति के पास यदि अपार संपत्ति है और उसका वो मालिक है तो वो
देने का काम जरूर करेगा। गुरु यहां पर धन के कारक होते हुए धन से संबंधित कोई परेशानियां नहीं देंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। यदि धन से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी तो ये समझ जाइए कि गुरु धन से संबंधित परेशानियों को दूर करेंगे और ये जनवरी से लेकर के 14 मई तक बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। कुटुंब परिवार में कोई विवादमय स्थिति चल रही थी तो उसको दूर करने का काम करेंगे, आपकी वाणी को बेहतर करने का काम करेंगे, साथ ही साथ जो है आय के माध्यम बनाने का काम करेंगे। अब गुरु आपकी राशि के अनुसार से भाग्य के मालिक है और भाग्य का जो मालिक होता है वो धन भाव में यदि बैठ जाए तो भाग्य से धन की प्राप्ति होती है, भाग्य खुल जाता है, भाग्य का पूरा साथ मिलने लगता है, पिता का सपोर्ट मिलने लगता है। साथ ही साथ ये 12वें भाव के मालिक भी हैं तो पैसा तो खूब आएगा, खर्चे भी करवाने का काम करेंगे। और यदि आप विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो ये समय सबसे बढ़िया रहने वाला है मई तक, या फिर विदेश जाना चाहते हैं, चाहे आप शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं या नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय के लिए जाना चाहते हैं, तो जरूर आपको सफलता मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कोई मामले यदि चल रहे थे उसमें भी आपको राहत मिलेगी, या फिर जो है यात्राएं करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। तो गुरु का जो प्रभाव है 14 मई तक भाग्य के भाव में, 12वें भाव में और धन भाव में एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इनकी जो दृष्टि होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है, अमृत दृष्टि मानी जाती है, जहां पर गुरु देख लिए वहां पर सब कुछ बढ़िया करने का काम करते हैं। अब इनकी तीन दृष्टियां हैं, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि। पांचवी दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव को देखेंगे। यदि नौकरी से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी या फिर कंपटीशन आप दे रहे थे सफलता नहीं मिल पा रही थी, या आप स्वास्थ्य खराब चल रहा था, ऋण आपके ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ गया था, कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया था, और यदि आप कर्जा लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, तो ये समय आपका सबसे बढ़िया रहने वाला है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, आपके वर्कर साथ नहीं दे रहे थे, वर्कर परेशान कर रहे थे, छोड़ छोड़ करके जा रहे थे, नौकर जो है रुक नहीं रहा था, तो समझ जाइए कि जनवरी से लेकर के मई तक का जो समय है ये आपके लिए सबसे बढ़िया। और इन क्षेत्रों के लिए रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, ऋण को समाप्त करेंगे और कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। और जो आपके नौकर हैं, जो मामा मौसी के साथ संबंध है, ये मजबूत बनने वाले, अच्छे बनने वाले, तो ये एक बेहतर स्थिति रहेगी, नौकरी के अच्छे योग बनने वाले हैं। तो गुरु की पंचम दृष्टि कल्याणकारी रहेगी, वही अष्टम भाव में इनकी सप्तम दृष्टि होने के कारण जो है ससुराल पक्ष से बड़ा लाभ हो सकता है, या आध्यात्म के क्षेत्र से, ज्योतिष से, तंत्र विद्या से आपका लगाव बढ़ सकता है, समाज सेवा के प्रति आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं जो है गूढ़ ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, रिसर्च वाले क्षेत्रों में आपको सफलताएं मिल सकती है, या फिर गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है, छोटी मोटी परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे, ससुराल पक्ष की स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे, तो ये भी एक बेहतर स्थिति है आपके लिए। गुरु की नवम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण सबसे अच्छे लाभ आपको कैरियर में मिलने वाले, क्योंकि नवम दृष्टि बड़ी प्रभावी होती है और कैरियर के भाव में हो जाए तो ये समझ जाइए कैरियर से संबंधित जो भी परेशानियां 2024 में थी वो सारी दूर हो जाएंगी और कैरियर में कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिलेगी। नौकरी में है तो प्रमोशन मिल सकता है, व्यापार में है तो ग्रोथ मिल सकती है, स्वयं का कोई काम कर रहे हो तो अच्छी एक स्थिति रहेगी और ये जनवरी से ही बढ़िया रहेगी। जनवरी से धन से संबंधित कोई भी परेशानी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, तो ये एक बेहतर स्थिति है आपके लिए। अब 14 मई 2025 को गुरु जब तीसरे भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ देंगे। यदि आप सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, या कवि हैं, लेखक हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कपड़े का व्यापार, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, इनसे जुड़े हुए काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो गुरु यहाँ पर लाभ देने का काम करते हैं। धार्मिक यात्राएं या धर्म से जुड़े हुए कार्य करते हैं, वक्ता, प्रवक्ता,
इन सभी क्षेत्रों पर गुरु का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण विवाह के योग बनेंगे जिनका विवाह नहीं हुआ, जो लोग चिंतित थे क्योंकि विवाह के कारण गुरु है और जब तक गुरु यश नहीं करेंगे विवाह होगा ही नहीं। और गुरु जो है जैसे ही तीसरे भाव में आएंगे तो विवाह भाव पर उनकी पूर्ण दृष्टि होने के कारण जिनका विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, समझ जाइए रिश्ते आएंगे, विवाह का योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन यदि खराब चल रहा था तो उसमें सुधार होगा, पार्टनरशिप मजबूत आपकी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी और व्यापार में बड़ा लाभ होगा, क्योंकि ये व्यापार का भी भाव है, दाम्पत्य जीवन का भी भाव है, विवाह का भी भाव है, तो इन क्षेत्रों में एक अच्छी स्थिति बनेगी। दैनिक आय में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। वही भाग्य भाव में अपने घर में इनकी पूर्ण दृष्टि होने के कारण भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि ये स्वयं के मालिक है, भाग्य के मालिक है, तो भाग्य में क्यों रुकावटें आएंगी, किस्मत का साथ मिलेगा। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी, जो योजनाएं आपने बनाई है उसमें आपको सफलता मिलेगी, पिता के साथ संबंध मजबूत आपके रहने वाले हैं, विदेश की यात्राओं के लिए समय बढ़िया रहने वाला है, देश विदेश से आपको लाभ मिलने वाला है, मान सम्मान मिलने वाला है। अब इनकी नवम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण स्वाभाविक है कि लाभ देंगे। जो ग्रह जहां पर प्रभाव डालता है वहां के फलों में वृद्धि करेगा ही करेगा, तो गुरु की लाभ भाव में दृष्टि होने के कारण, आय भाव में दृष्टि होने के कारण आय होगी, लाभ होगा और इच्छा की पूर्ति भी करने का काम करेंगे। तो गुरु का जो बदलाव है ये आपके लिए पॉजिटिव बदलाव, एक अच्छा बदलाव है और कहीं ना कहीं वर्ष 2025 गुरु के हिसाब से बढ़िया रहने वाला है। आगे यदि हम बढ़े तो बात करें राहु के बारे में। राहु जो कि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहा है, अब 12वें भाव में राहु तो उतने अच्छे परिणाम देता नहीं है, क्योंकि 12वां भाव व्यय का होता है, नुकसान का होता है, खर्चों का होता है, एक्स्ट्रा खर्चे भी देने का काम करता है, लेकिन विदेश के लिए अच्छा माना जाता है। 12वें भाव में राहु का यदि गोचर हो जाए तो विदेश के अच्छे योग बनते हैं, विदेश से जुड़े हुए क्षेत्रों में लाभ भी होता है, या फिर विदेश का काम कर सकते हो, विदेश वाली कंपनी में जुड़ सकते हो, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, विदेश जाकर के नौकरी कर सकते हो, या विदेश में रह करके अच्छा लाभ ले सकते हो। तो राहु विदेश के लिए तो अच्छा लाभ देता है, लेकिन जो जन्म स्थान में आसपास रहते हैं उन लोगों के खर्चों को बढ़ा देता है, एक्स्ट्रा खर्चा, एंड टाइम पर प्रॉब्लम आ जाना, एंड टाइम पर नुकसान हो जाना, प्लानिंग बनाना और वो प्लानिंग एंड टाइम पर नुकसान कर देना, तो ये राहु यहाँ पर करने का काम करते हैं। मानसिक टेंशन राहु यहाँ पर बहुत ज्यादा देने का काम करते हैं, भय बना रहता है, किसी न किसी प्रकार का डर बना रहता है, तो ये राहु देते हैं। अब राहु की यदि हम स्थिति के बारे में बात करें तो वैसे तो राहु ज्यादा यहाँ पर परेशान नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुरु के घर में बैठे और गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है, इस कारण से राहु यहाँ पर ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी मोड़ी परेशानियां तो जरूर देने का काम करेंगे। और ये समझ जाइए कि राहु और केतु 18 मई को जो है ये राशि परिवर्तन करेंगे, तो 18 मई तक 12वें भाव में रहेंगे तो खर्चे भी खूब करवाने का काम करेंगे, खर्चों में आपको लगाम लगाना चाहिए और थोड़ा सावधानी से काम करना चाहिए, गलत कार्यों में यदि आप लिप्त हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि 12वें भाव का राहु जेल तक पहुंचा देता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी भी रखना है, कोई भी ऐसे काम ना करे जिससे आपको नुकसान हो, मान सम्मान में दिक्कत आए, क्योंकि एंड टाइम पे ये मुसीबत लाने का काम करता है। तो ये समझ जाइए कि राहु 12वें भाव में तो अभी प्रॉब्लम देगा मई तक कुछ ना कुछ, लेकिन विदेश से जुड़े हुए क्षेत्रों में लाभ देगा। अब यदि आप कमीशन से जुड़े हुए काम करते हैं या दलाली का काम करते हैं, एजेंट का काम करते हैं, ब्रोकर का काम करते हैं, तो राहु यहाँ पर कभी कभी अच्छा और कभी कभी सामान्य बुरा परिणाम भी देने का काम करते, दोनों प्रकार से। शेयर मार्केट से यदि जुड़े हुए हैं तो कई बार नुकसान की स्थिति ज्यादा देता है, फायदा कम देता है, तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखना है। हालांकि गुरु के घर में बैठा है तो लाभ भी देने का काम करेगा, ऐसा यहाँ पर दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी आपको रखना चाहिए। राहु जो है जैसे ही राशि परिवर्तन करके लाभ भाव में जाएंगे और ये जाएंगे 18 मई 2025 को, ये समय सबसे शानदार आपका रहने वाला है, क्योंकि ये जो भाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये लक्ष्मी भाव माना जाता है, इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, लाभ का भाव माना जाता है, आय का भाव माना जाता है, और यहाँ पर प्रायः सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि ये जो भाव है ये सब ग्रहों को सुकून देने का काम करता है, और राहु यहाँ पर तो जबरदस्त लाभ देने का काम करते, छप्पड़ फाड़ धन देने का काम करते, किस्मत को
जो है जगाने का काम करते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और यदि 12वें भाव में राहु ने आपको बहुत ज्यादा नुकसान दिया है, बहुत ज्यादा खर्चे दिया है, तो समझ जाइए कि लाभ भाव में आकर के उससे 4 गुना ज्यादा धन भी देने का काम करेगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेगा, जो आपने सोचा वो जो है करने का काम जो है लाभ भाव में राहु करता है। स्वाभाविक है कि लाभ भाव में राहु की एक अच्छी स्थिति जो है रहने वाली, और लाभ भाव में लाभ देगा, आय में वृद्धि देगा। इनकी भी राहु की भी 3 दृष्टियां हैं गुरु के समान, 5वीं 7वीं 9वीं। तो लाभ भाव में राहु गोचर करेंगे तो 1 2 3 4 5 तीसरे भाव में राहु की 5वीं दृष्टि रहेगी तो बल पराक्रम में वृद्धि। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अचानक वायरल कर देना, अचानक जो है प्रगति दे देना, विश्व में ख्याति दे देना, ये राहु का ही काम है। और सोशल मीडिया जो है वो राहु का है। तो राहु एकादश भाव में जब भी गोचर करता है तो अचानक जो है उठा देता है, तो ये काम करने वाला है। राहु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण शिक्षा, संतान, लव लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा। लव लाइफ में एक अच्छी स्थिति रहेगी, शेयर मार्केट में अच्छा लाभ देने का काम करता है। लेकिन राहु आप देख लीजिए, आपकी कुंडली में भी अच्छा होना चाहिए, तभी शेयर मार्केट में अच्छा लाभ देगा, इस चीज का ध्यान रखना है। नवम दृष्टि राहु की सप्तम भाव में होने के कारण पार्टनरशिप को मजबूत करने का काम जरूर करता है, पार्टनरशिप को अच्छा कर देता है, व्यापारिक स्थिति में अच्छा लाभ देने का काम करता है। लेकिन यहां पर गुरु की भी दृष्टि है, इस कारण से राहु का ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। यहां पर राहु ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे, पॉजिटिव परिणाम जरूर देने का काम करेंगे। तो राहु की स्थिति ये समझ जाइए कि 18 मई 2025 के बाद पूरा वर्ष जबरदस्त रहने वाला है। और राहु कलयुग का राजा है, ये यदि हो जाए, अन्य ग्रहों की स्थिति कितनी भी खराब हो, फिर भी व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। केतु के बारे में बात करें, केतु 6वें भाव में गोचर करेंगे मई 2025 तक, और मई 2025 तक यहां पर केतु जो है मामा मौसियों के साथ संबंध थोड़ा कम कर देता है, वही शत्रु को भी कई बार बढ़ा देता है, गुप्त शत्रु पैदा करता है। हालांकि शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, लेकिन प्रयास जरूर करते हैं। यहां पर केतु यदि विराजमान हो जाए तो कई बार व्यक्ति को ऋण लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, तो ये भी स्थिति यहां पर बना देता है, हमेशा नहीं कई बार बनाता है। और यहां पर यदि केतु बैठ जाए तो कहीं ना कहीं भय बना रहता है, डर बना रहता है, कंपटीशन में असफलता भी देने का काम करता है। तो ये स्थितियां यहां पर केतु दे रहा था। अब यही केतु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 18 मई 2025 को। पंचम भाव में केतु भी बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, केतु की भी स्थिति अच्छी मानी जाती है, लेकिन केतु यहां पर पेट से जुड़ी हुई समस्या भी देने का काम करते हैं। अब यहां पर जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में अचानक बड़ा नुकसान और बड़ा फायदा दोनों कराने का काम करते हैं, इसलिए यहां पर सावधानी से आपको काम करना है। केतु जो है यदि अच्छा है तो ये यहां पर माला माल कर देगा, और केतु यदि खराब है तो यहां पर बर्बाद भी कर देगा, इसलिए सावधानी रखना। संतान को लेकर के चिंता यहां पर केतु बढ़ा देता है, संतान की चिंता रहती है, पेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है वर्ष 2025 में, समझ जाइए या तो गैस, एसिडिटी, कब्ज की प्रॉब्लम या अपेंडिक्स, कुछ भी, कई बार तो केतु यहां पर ऑपरेशन भी दे देता है, इसलिए खान पान पर विशेष सावधानी आपको रखना है। लेकिन ये लाभ बहुत देता है, आय के स्रोत और धन में लाभ बढ़ा देता है, भाग का साथ और भाग को चमकाने का काम भी करता है, लेकिन हमेशा नहीं करता है। अब ये 1.5 साल तक यहां पर रहेगा तो 1.5 साल में आपको कई मौके देगा, ऐसा बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, बहुत धन लाभ भी देगा बीच बीच में, तो यहां पर आपको जो इसका लाभ लेना है। तो ये केतु यहां पर जो है कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों प्रकार के फल देने का काम करता है। कई बार शिक्षा में बहुत ज्यादा अच्छी सफलता देता है, कई बार शिक्षा में मन भी नहीं लगता है, तो ये दोनों चीजें यहां पर जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में पंचमेश की स्थिति को भी जो है देखना पड़ेगा। पंचमेश की स्थिति यदि बढ़िया है तो केतु फिर तो यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, तो ये स्थिति है। अब हम बात करेंगे शनि के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए। शनि की 7:30 आपकी प्रारंभ हो जाएगी 29 मार्च 2025 को, क्योंकि शनि जो है आपकी राशि मीन राशि के, आपके राशि से 12वें नंबर की जो राशि मीन राशि, मीन राशि में गुरु के घर में शनि का गोचर होगा। और शनि आपके मालिक कहाँ के हैं, दशम भाव के मालिक हैं और लाभ भाव के मालिक हैं। 2024 में शनि की स्थिति वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी रहेगी आपकी,
क्योंकि शनि लाभ भाव में स्वाभाविक है कि अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, और मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बनी थी, लेकिन शनि मेहनत बहुत करवाते हैं, संघर्ष करवाते हैं और सफलता भी देने का काम करते हैं। तो 2024 में कहीं ना कहीं शनि ने मेहनत भी करवाया और सफलता भी दिया। अब जो है जैसे ही 12वें भाव में शनि आएंगे तो यहां पर कैरियर पर जो है कुछ न कुछ परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि कैरियर के भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण कैरियर से कोई खास परेशानी नहीं होगी, लेकिन चिंता बनी रहेगी, डर बना रहेगा, भय बना रहेगा, कहीं नौकरी ना छूट जाए, कहीं व्यापार हमारा ठप्प ना हो जाए, कहीं हमें नुकसान ना झेलना पड़े, ये भय बना रहेगा, ये भय आपको सताएगा। हालांकि कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु जो है जहां पर देखते हैं वहां पर कितनी भी खराब स्थिति हो उसको बचा लेते हैं, उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। एक चीज में यदि नुकसान होगा तो दूसरे चीज में बड़ा लाभ देने का काम करेंगे, तो यहां पर थोड़ा सावधानी भी रखना है। जल्दीबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, ईगो नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि जब भी शनि 12वें भाव में गोचर करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति को खराब करने का काम करते हैं, शनि मन के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालने का काम करते हैं। और यदि आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा के साथ बैठ गया है, राहु के साथ बैठ गया है, केतु के साथ बैठ गया है, सूर्य के साथ बैठ गया है, तो यहां पर थोड़ा सावधानी रखना ही होगा। चंद्रमा के साथ शनि यदि बैठा हो तो सबसे ज्यादा मानसिक प्रताड़ित करने का काम करता है, मानसिक स्थिति को खराब कर देता है, पैरों में दर्द रहना, पीढ़ियों में दर्द रहना, बॉडी में पेन रहना, काम बनते बनते बिगड़ जाना, सबसे ज्यादा लॉस होना, नुकसान होना, खर्चे होना, ये करवाने का काम शनि करता है। जैसे 7:30 आपकी प्रारंभ होगी तो खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, इसमें कोई दोराह वाली बात नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण धन भी आएगा, आय की स्थिति बढ़िया रहेगी, आमदनी आपकी अच्छी रहेगी, और जब आमदनी अच्छी रहेगी तो खर्च करने में क्या डर। तो यहां पर जो है थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है। 29 मार्च 2025 से जब 12वें भाव में शनि गोचर करेंगे तो खर्चों को बढ़ाने का काम करेंगे, मानसिक स्थिति को खराब करने का काम करेंगे, टेंशन बना रहेगा, डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, और यदि विदेश जाना चाहते हैं तो वहां पर सब अच्छी स्थिति होगी, वहां पर ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, या विदेश में आप रह रहे हैं तो भी ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कैरियर में बदलाव जरूर हो सकते हैं, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब शनि 12वें भाव में गोचर करेंगे तो शनि का प्रभाव तो रहेगा ही, और 7:30 का प्रभाव होता है, लेकिन आपकी कुंडली में यही शनि यदि मजबूत स्थिति में बैठे, तुला राशि में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे, उच्च राशि में बैठे, तो समझ जाइए कि ये शनि आपको रंक से राजा बना देगा। 7:30 बहुत ज्यादा लाभ देने का काम करती है, और 7:30 कई लोग चाहते हैं कि हमारी 7:30 हमेशा लगी रहे, लेकिन यही 7:30 जीवन में बर्बादी का कारण भी बनती है। 7:30 बर्बाद कर देता है, राजा से रंक बना देता है, भिखारी बना देता है, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में, कुंडली से जो है सटीक जानकारी का पता चलेगा कि पिछले जन्म के आपके कर्म कैसे थे। शनि जो है 7:30 में पिछले कर्मों के फल देने का काम करते हैं, और यदि आपके अभी अच्छे कर्म है, अच्छे कामों में आप लगे हुए हैं, किसी का अनहित नहीं सोचते हैं, किसी को दुखी नहीं करते हैं, और सदमार्ग में लगे हुए हैं, तो शनि वैसे भी अच्छा परिणाम देने का काम करेगा, चाहे कितना भी खराब हो, लेकिन फिर भी शनि की सटीक जानकारी के लिए कुंडली का देखना अनिवार्य है कि शनि आपके लिए कैसे रहने वाले हैं और 7:30 आपकी कैसी बीतने वाली है। साधारण तौर पर यदि देखें तो 7:30 जो है थोड़ा संघर्ष करवाती है, मेहनत करवाती है, व्यय कराती है। पहला चरण जो होता है वो थोड़ा सा खर्चों वाला होता है, परेशानियों वाला होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वो फिर जो है बड़ी राहत वाली हो जाती है, पता नहीं चलता है कि 7:30 चले या ना चले। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गुरु की दृष्टि जो है आपके कैरियर में पड़ने के कारण और लाभ भाव में पड़ने के कारण बड़ी राहत है आपके लिए, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, कितना भी शनि खराब रहेगा लेकिन फिर भी गुरु आपको रास्ता देने का काम करेंगे, बचाने का काम करेंगे। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज है कि शनि जो है कहीं ना कहीं आपको लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन मानसिक स्थिति को खराब करेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखने की विशेष तौर पर जरूरत है।
तो शनि की साढ़े साती 7.5 वर्ष तक रहने वाली है, ये समझ जाइए 2030 तक जो है आपकी साढ़े साती रहने वाली है। अब 2030 तक शनि की साढ़े साती के बारे में अन्य वीडियो पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। जनवरी के महीने में सूर्य की स्थिति के बारे में यदि बात करें जनवरी 2025 में, तो जो आपके भाग्य भाव में बैठे हैं भाग को खोलने का काम करेंगे, भाग्य को उदय करने का काम करेंगे, वर्ष के प्रारंभ से ही आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। सूर्य देव ग्रहों के राजा माने जाते हैं और यदि सूर्य की स्थिति वर्ष के प्रारंभ में अच्छी है तो समझ जाइए कि समय बहुत शानदार बीतता है। तो सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। मकर संक्रांति के दिन जो है कैरियर के भाव में सूर्य का गोचर होगा, ये बहुत पॉजिटिव है। कैरियर में बदलाव के लिए, नई प्लानिंग के लिए, वर्ष की तैयारी के लिए, योजनाओं के लिए ये समय सबसे शानदार रहने वाला है। वही यदि हम बात करें तो बुध जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, बुध अष्टम भाव में वैसे तो अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन ये विपरीत परिवर्तन राजयोग में होने के कारण राजयोग के फल देने का काम करेंगे। जनवरी के महीने में व्यापारिक स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे, बुद्धि को बढ़ाने का काम करेंगे, ज्ञान को बढ़ाने का काम करेंगे। तो बुध की स्थिति भी जनवरी के महीने में बड़ी शानदार है, इसमें भी कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु जो है 3 बार जो राशि परिवर्तन करेंगे, यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे, ये कर्क राशि में आएंगे 18 अक्टूबर को। अब कर्क राशि में गुरु 18 अक्टूबर को आएंगे, ये समझ जाइए कि उच्च राशि में गुरु सबसे अच्छे परिणाम देता है, 100% अच्छे परिणाम देने का काम करेगा 18 अक्टूबर 2025 से। और जो भी आप काम करना चाहते हैं आंख बंद करके कर सकते हो। कैरियर में, क्योंकि कैरियर के भाव में पूर्ण दृष्टि रहेगी गुरु की, तो 2025 गुरु का जो बदलाव है ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और गुरु ही बचाता है। गुरु एक ऐसा ग्रह है कि कितनी खराब स्थिति हो वो रास्ता जो है ज्ञान के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से जो है बचा लेता है। तो उच्च राशि में पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनेगा, हंस नामक राजयोग, जो सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है, और ये राजयोग दिसंबर तक रहेगा, 5 दिसंबर 2025 तक। तो गुरु कर्क राशि में जब गोचर करेंगे जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और दिसंबर 5 दिसंबर को ये पुनः फिर जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो गुरु का जो गोचर है, ये जो बदलाव है, 3 बार जो गुरु बदलाव करेंगे, ये मेष राशि वालों के लिए बड़ा शानदार रहने वाला है। हालांकि अन्य ग्रहों का जो बदलाव है, राहु केतु भी जबरदस्त रहने वाले हैं, क्योंकि लाभ भाव में और पंचम भाव में राहु केतु का रहेगा। शनि का ही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कैरियर में जल्दी जल्दी बदलाव हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, या तो जन्म स्थान को छोड़कर के कहीं दूर निकल जाइए तो सबसे ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, कोई ज्यादा परेशानियां भी नहीं आएगी। या तो आप देश को छोड़कर के विदेश चले जाओ, या फिर 1000 किलोमीटर से दूर चले जाओ, 500 किलोमीटर चले जाओ, तो वहां पर प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये शनि का उपाय है। आप शनि का उपाय और कर सकते हो, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, जिससे 7.5 में ज्यादा कोई प्रभाव ना हो। जब दशरथ जी के ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ हुई थी, दशरथ जी बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र जो नाम से आज प्रसिद्ध है, पहले शनि स्तोत्र से जाना जाता था, दशरथ जी ने किया, तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र से जो है प्रसिद्ध हुआ। आप भी जो है इस स्तोत्र का पाठ शाम के समय घी का दीपक जला करके प्रतिदिन करिए, कोई विशेष दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वर्ष 2025 बड़े बदलाव होंगे और ये बदलाव आपके पॉजिटिव के लिए है, बड़ा शानदार रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।